बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए आइडियल रेसिपी है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देसी अंडे लिए हैं, देसी एग्स हैं, ये हमारे अपने घर के हैं। इनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था, क्योंकि बॉयल एग्स को देसी छीलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसको छीलने की यही टिप है कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसका छिलका जो है वो नरम कर लें, उसके बाद ये बहुत आसानी से जो इसका छिलका है वो रिमूव हो जाएगा। अक्सर देसी अंडे उबले हुए छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप ये चेक करें कितने आराम से मैंने ये एग्स जो हैं छील लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। छीलने के बाद मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें ये मैशी फॉर्म में नहीं चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ये पेस्ट बन जाता है, बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं रहेगा जिस तरह का हमें रिक्वायर्ड चाहिए। तो बेस्ट इसके रिज़ल्ट के लिए मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। आप में से भी बहुत से लोग इस रेसिपी से सैंडविचेस बनाते होंगे। आज मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी, बनाए थे अपने लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, साथ मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम इसमें शामिल की है और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के शामिल किए हैं, और साथ इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नस ऐड कर दिए हैं। क्रीमी सा इसका फॉर्म होगा। नॉर्मली हम मेयोनीज़ के साथ ही सैंडविचेस बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रीम इसमें इस्तेमाल की है ताकि ये मज़ीद हेल्दी रेसिपी हो जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सॉल्ट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि क्रीम भी इसमें सॉल्टी है, मेयोनीज़ में भी नमक होता है, ब्रेड भी नमकीन होती है, तो इसमें मैंने सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं किया। ब्रेड जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो है मल्टीग्रेन ब्रेड, बहुत हेल्दी होती है। कोशिश किया करें मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। जो वाइट ब्रेड होती है वो ज़्यादा उसमें मैदा होता है और वो इतनी हेल्दी नहीं होती, लेकिन अगर आपके बच्चे ये ब्रेड ना खाएं तो आप सिंपल दूसरी ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने खीरे को भी ग्रेट करके शामिल कर दिया था, क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, चाहें तो आप इसके चॉप करके भी खीरा शामिल कर सकते हैं। बाकी ये मैं अपने लिए बना रही थी, इसलिए मैंने टोमेटोज़ और अनियंस जो हैं वो स्लाइसिस करके इसमें सेट कर दिए थे। मल्टीग्रेन ब्रेड बहुत हेल्दी होती है, इसमें ग्रेन्स होते हैं कितने, ओट्स होते हैं, तो बहुत हेल्दी चॉइस है, आप इसको ज़रूर एज्यूम किया करें। थोड़ा सा अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो वो हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। आप ग्रिल ना हो तो आप सिंपल पैन में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है। सैंडविचेस को अगर बटर में टोस्ट करें तो बहुत क्रंची हो जाते हैं। बटर ना हो तो आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों साइड से मैं इसको अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। आप ये चेक कर सकते हैं, बहुत क्रंची, सुपर क्रिस्पी ये सैंडविचेस बनकर रेडी हुए थे। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दें। जंक फूड इतना अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, और जब वो लंच बॉक्सेस में ठंडा हो जाता है तो वो बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं रहता। तो कोशिश करें बच्चों को लंच बॉक्स में न्यूट्रिशियस चीज़ें बना के भेजें। ये सैंडविचेस परफेक्ट हैं, वेजिटेबल्स भी इसमें यूज़ हो रही हैं, एग्स भी हो रही हैं, क्रीम भी हो रही है। तो अगर ब्राउन ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड यूज़ कर लेंगे तो ये और हेल्दी हो जाएगी। तो गर्मियों में वैसे भी बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। वेजिटेबल्स का जितना हो सके इस्तेमाल आगे बच्चों से करवाएं। खीरा और टोमेटोज लाजमी दें बच्चों को, तो बच्चों को आदत डालना शुरू करें। अभी वैसे बच्चे नहीं खाते, लेकिन उन्हें बारीक बारीक करके दिया करें, सैंडविचेस में बना के दिया करें, तो बच्चे इंशाल्लाह खाएंगे। तो अब जो मौसम शुरू हो रहा है बच्चों, तो क्या बड़ों का भी सुबह में दिल नहीं करता कोई हैवी नाश्ते का, तो इस तरह के जो सैंडविचेस होते हैं ये बेस्ट चॉइस होते हैं। काफ़ी लोग इस रेसिपी से बनाते हैं सैंडविचेस, आई नो, बस मैं बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। बाकी वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए भी जो लोग कॉन्शियस हैं वो भी मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मायोनीज इस्तेमाल ना करें, जस्ट बॉयल एग्स का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी टोमेटो केचप लगा लें और ये सैंडविचेस बनाएं, बहुत हेल्दी हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, लाइक और कमेंट तो आप करते ही हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।